पॉपुलेशन रेशियो डिस्क्राइब करता है जो एक बैलेंस, किस चीज का बैलेंस, बैलेंस बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल्स, ठीक है, और चिल्ड्रन वर्सेस वुमेन, चिल्ड्रन एंड वुमेन, वो भी ऑफ रिप्रोडक्टिव एज की जो वुमेन है उनके लिए, तो उसमें अलग अलग रेशियोज आएगा तुमको, जो अलग अलग रेशियोज मिलना है, ठीक है ना। सो अभी हम चर्चा करेंगे अलग अलग रेशियो के। सबसे पहला जो रेशियो आएगा उसमें उसमें आएगा सेक्स रेशियो। बेसिकली जो नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स को सेक्स रेशियो बोलेंगे, ठीक है। 2001 में ये आंकड़ा 933 था। जब तुम्हें आंसर अटेम्प्ट करोगे तो इसमें स्टैटिस्टिक्स लिखना जरूरी है। 2011 में ये आंकड़ा 940 हुआ, थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ अपने देश का सेक्स रेशियो में। जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो है इंडिया में उसमें केरला, जहां पे 1084 वुमेन पर 1000 मेल्स है, ठीक है, और सबसे लोएस्ट स्टेट के मामले में हरियाणा, सबसे लोएस्ट सेक्स रेशियो है, यू कैन से 879, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी में उससे भी बुरा हाल दमन एंड दीव का है, जहां पे पर 1000 मेल सिर्फ 616 वुमेन है। सो आई होप तुमको ये लेवल समझ में आया, और आगे बढ़ते हैं। सो सेक्स रेशियो में लेट अस गो अहेड विद बोर पार्ट्स। यहां पे नेक्स्ट पार्ट बोला है, एक मिनट, सेक्स रेशियो ऑफ बर्थ्स। इफ यू सी वर्ल्ड वाइड, ठीक है ना, वर्ल्ड वाइड इट इज ऑलवेज बोलते ना कि मेल बर्थ्स आर मोर देन, मतलब फॉर एवरी 100 वुमेन, ठीक है ना, फॉर एवरी 100 वुमेन, मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूँ, मेल इज अराउंड 104 टू 107 के आसपास, ये आंकड़ा वर्ल्ड वाइड है। तो सेक्स रेशियो ऑफ बर्थ कैसे कैलकुलेट करते हैं कि मेल्स का जो जन्म होता है फीमेल्स का जो जन्म होता है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है, इफ रेशियो, ठीक है, 100 है, मतलब फीमेल्स ज्यादा है यहां पे, फीमेल्स मोर देन मेल्स, ठीक है, 100 इक्वल टू 100 है, मतलब इक्वल है, फीमेल्स इक्वल मेल्स, ठीक है, और सिंपल सा है, इफ बर्थ इज मोर देन 100 तो मोर मेल्स बोल सकते हैं, जो कि ये अपने वर्ल्ड का स्टेटस है, इंडिया का भी यही स्टेटस है, मेल ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट में हम जाएंगे, दैट इज सेक्स रेशियो ऑफ डेथ। अगेन सेक्स रेशियो ऑफ डेथ जानना है तो देखा जाए तो मेल्स ऑफिस में जाते हैं,
इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। रिस्की जॉब्स में भी, जहाँ पे जैसे टफ काम है, रिस्की, मिलिट्री में भी, बॉर्डर में भी मेल ज्यादा रहते हैं, बराबर है। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बड़े बड़े वजन उठाने के लिए वुमेन भी रहते हैं, बट मेल ज्यादा तुमको मिलेंगे। तो साफ है कि मोर्टेलिटी किसका ज्यादा रहेगा, डेथ ज्यादा किसका रहेगा, मेल का। जन्म भी आदमी लोग ज्यादा, जेंडर बायस है, ज्यादा जन्मते, मरते भी आदमी ज्यादा है, बराबर है। सो लेट अस कम टू सेक्स रेशियो ऑफ डेथ का। ये लाइन पता नहीं कैसे आ जाता है। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है कभी कभार ये जो लाइन आ जाता है ना। चलो देखें आगे बढ़े। सो जो फॉर्मूला है इसका मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देता हूँ। सीधी बात है, जो मेल्स जिनकी डेथ होती है, फीमेल्स जिनकी डेथ होती है, इनटू 100। सिंपल लॉजिक, 100 से ज्यादा, ठीक है, तो मेल्स का डेथ ज्यादा, 100 से कम तो फीमेल्स का डेथ ज्यादा, और इक्वल तो ठीक है। अगेन देर कुड ऑल्सो बी ए सिचुएशन वेयर यू कैन हैव द सेक्स रेशियो ऑफ माइग्रेंट्स। अगेन माइग्रेंट जो बाहर से आते हैं, ठीक है, फॉर्मूला जो यूज करेंगे हम, फॉर एग्जाम्पल माइग्रेंट्स जो बाहर से आए हैं, ठीक है, सपोजिटली यहाँ पे 2456 मेल बर्थ हुआ है, या माइग्रेंट बर्थ नहीं हुआ, ऐसे सोचो माइग्रेंट आए हैं, या ऐसे सोचो डिस्ट्रिक्ट में जो माइग्रेंट लोग के बच्चे हैं, और 2102, एक सेकेंड, तो 2456 अपॉन 2102 100 किया तो आंसर आएगा 117। मतलब अगेन माइग्रेंट्स में मेल का बर्थ इज 117 एज कंपेयर टू फीमेल विच शुड बी 100 बेस्ड ऑन दी गिवन फॉर्मूला, है ना। चलो नेक्स्ट लेवल पे आते हैं, नंबर टू पार्ट है ये। अभी तक जो लिया था अपन ने सारा का सारा सेक्स रेशियो का था, अभी डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो किसको बोलते हैं? डिपेंडेंस में दो पार्ट्स है। पहला पार्ट जो 0 to 14 इयर्स के जो बच्चे हैं पहले वो, और जो 65 इयर्स एंड ओल्डर है, क्योंकि ये लोग डिपेंडेंट होते हैं ना, तो ये डिपेंडेंट रहते हैं। तो इसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया है कैसे कंप्यूट करते हैं, हम वो बताते हैं तुमको, ठीक है, एक मिनट। सो एक कम्युनिटी है जिसमें 0 to 1 में कितने बच्चे हैं, 41650, ठीक है, और 65 इयर्स के 6800 है, 65 इयर्स एंड अबव के, ठीक है, और जो टोटल पॉपुलेशन है उस एरिया का इज 85,000। तो ये थोड़ा पेन ठीक से लिखता नहीं है, 85,000, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन इज 85,000। सो डिपेंडेंसी कंप्यूट करने के लिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 41 प्लस 41650 प्लस ये करेंगे इज इक्वल टू, तुमको मिलेगा 48450 का आंकड़ा, ये दोनों को प्लस करेंगे, ठीक है। सो नाउ डिपेंडेंसी रेशियो विल बी इक्वल टू, विल बी इक्वल टू 48450
ठीक है, डिवाइडेड बाय सो 48,450 डिवाइडेड बाय जो 85,000 माइनस 48,450 ठीक है इनटू 100, ये माइनस साइन नहीं है, इनटू 100 करोगे तो तुमको 133 पता चलेगा। सो फॉर जो बोलते हैं ना पॉपुलेशन ऑफ 100 133 डिपेंडेंट है। सो इसका मतलब 100 वाले लोग खुद को भी संभालेंगे और इस 133 को भी संभालेंगे। अगेन तुम इसको ये रेशियो को इसके साथ भी यूज कर सकते हो, बच्चों का भी निकाल सकते हो अलग से, जो 65 इयर्स के ऊपर भी निकाल सकते हो। वैसे भी वर्ल्ड के सबसे ज्यादा डिपेंडेंट कौन से इस कंट्री में है, किसी को कोई आइडिया है? ऐसा कौन सा देश है जिसमें सबसे ज्यादा एजेड लोग रहते हैं? दैट इज जापान। ओके, नेक्स्ट लेवल पे हम आते हैं अभी, दैट इज चाइल्ड टू वुमेन रेशियो। चाइल्ड टू वुमेन रेशियो जिसको टेक्निकली CWR बोलते हैं। अब ये जो चाइल्ड है ये अंडर 5 माना जाता है, जो 5 साल से कम बच्चे यार पेन ये अंडर 5 माना जाता है, ठीक है। और ये जो चाइल्ड वुमेन रेशियो एग्जैक्टली क्या है, जो चाइल्ड अंडर 5 पर 1000 वुमेन, पर 1000 वुमेन, ठीक है, ये जो है ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। नाउ याद रखो ये 1 है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज वुमेन का 15-49 इयर्स माना जाता है और यहां पे चाइल्ड इज सेड टू बी अंडर 5। सो पर 1000 वुमेन, ठीक है, में जो 5 साल से कम के जो बच्चे हैं वो कितने हैं, 5 साल से कम, और दूसरा जो रिप्रोडक्टिव एज है वो 15-49 और तुम मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हो। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल। सपोजिटली एक जगह पे 4896 चिल्ड्रन है, कोई भी नासिक का ले लो चलेगा, यहाँ पे वियतनाम बोला है तुम नासिक पकड़ो, 4896 बच्चे हैं 5 साल से कम, और वुमेन है 10,200, ठीक है 10,200। सो व्हाट डू वी डू इज 4896 डिवाइडेड बाय 10,200 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू 480। इसका मतलब पर 1000 वुमेन जो रिप्रोडक्टिव एज के हैं 480 बच्चे हैं, मतलब रफली एवरी 2 वुमेन में एक चाइल्ड होगा, ठीक है ना, ये इसका मीनिंग निकलता है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ, व्हिच इज द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। नाउ मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, जो माताएं, ठीक है, बच्चे को जन्म देते हैं ड्यूरिंग द बर्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सो पर 1,00,000 लाइव बर्थ, मतलब लाइव बर्थ मतलब जो जिंदा बच्चे जन्मते हैं, 1,00,000 जो जिंदा बच्चे जन्मते हैं उसमें कितने माताएं
जी नहीं पाते, ठीक है ना। या तो प्रेगनेंसी में मेटरनल मोर्टेलिटी जो है, माताएं का जो डेथ होता है वो ट्रॉमेटिक होता होगा। इसमें ड्यूरिंग बोलते ना प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टाइम में या डिलीवरी के फर्स्ट 6 वीक्स के टाइम में, थोड़ा सा ट्रिकी समय रहता है ना, ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं। अभी सिंपल सी बात है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट किसको बोलेंगे, जो वुमेन सीधी बात है रिप्रोडक्टिव एज में होगी, ठीक है, 15 to 49। सो यू कैन सेफली से 15 to 49 एज के जो वुमेन है रिप्रोडक्टिव एज के, उनमें से जिन माताओं ने बच्चों को जन्म दिया, 1 लाख लाइव बच्चे में कितने माताएं अपना जीवन खो देते हैं या जी नहीं पाते या खींच नहीं पाते ड्यू टू वॉट एवर द कॉम्प्लिकेशंस विच ऑकर्स, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो पार्ट खत्म होता है, इसमें 4 पार्ट्स था। नंबर वन, सबसे पहला सेक्स रेशियो था, ये तो सेक ऑफ माइग्रेंट्स है, और पीछे ले जाओ सो ये तुम्हारा पॉपुलेशन सेक्स रेशियो था। उसके बाद दूसरे नंबर पे डिपेंडेंसी रेशियो था, ये डिपेंडेंसी रेशियो नंबर टू था। नंबर थ्री चाइल्ड वुमेन रेशियो था, ये नंबर थ्री, और ये नंबर फोर माताएं का मोर्टेलिटी रेट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन खत्म होता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, उनका भी फायदा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।